Ecco io. गुड इवनिंग सर। इवनिंग भैया, कैमरा ऑन कर लो, हमेशा इनविटेशन देना पड़ेगा। सर आई एम हैविंग कंजंक्टिवाइटिस। गुड क्या इवनिंग सर। क्या कह रहे हो निशा? सर कंजंक्टिवाइटिस का तो वीडियो ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, मानव, निशा, सुनील, जुगल, ओजस, आयुषी, अथर्व। सर हाँ बोलो बोलो, शर्मा सर लो। नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क सर इशू। ऐसा बोल रहे हो कि नेटवर्क इश्यू से वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट कैसा रहा? सर इजी अच्छा रहा। था, टफ था पेपर? अच्छा रहा पेपर इजी था, टफ था? इजी था सर। बहुत इजी था। सर इजी था। सर बहुत इजी था। बहुत इजी था। अच्छा बहुत अच्छा। फुल मार्क्स कितने लोगों के आए? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई फुल मार्क्स वाला है क्लास में कि सर मेरे फुल मार्क्स आए एकदम से बढ़िया वाले फुल मार्क्स आए? हाँ सर। मेरे हाँ सर। है फुल मार्क्स वाले? बहुत अच्छा, अगर है तो। सब 5 मिनट में पेपर सॉल्व हो गया। बहुत हाँ तो इजी बहुत था इजी दिया था पेपर, सर स्कूल आपने जैसा बोला था। स्कूल लेवल जैसा पेपर था। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा दिया था लेवल का, बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बस मजाक मजाक में नींद में सॉल्व कर लो। यस और नो? सर वो अमोनियम क्लोराइड वाला। नहीं, वो बेरियम वाला, ब्रोमीन वाला, सॉरी बेरियम वाला नहीं, ब्रोमीन वाला, सॉरी यस ब्रोमीन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इज्जतदार था, बाकी सब तो ऐसे थे लल्लू से क्वेश्चन थे। अभी तो वो भी इजी था। सो कौन सा ब्रोमीन वाला? करेंगे रिकॉल पेपर, नहीं हो रहा। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अभी करेंगे पेपर सॉल्व। वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना इजी पेपर फिर भी कर लेंगे। चलिए आज इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हर बार किए वैसे नहीं, थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे आज, ठीक है ना? ओलंपियाड की क्लास कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? सर मैं कर रही हूँ। कर रहे सर हो? कल तो लिया ही नहीं। क्या लिया था सर। लिया था। कल था ना शायद ओलंपियाड का आप लोगों का? आई थिंक सो। हाँ लेट सर। सर था बट वो बहुत लेट चालू हुआ। चालू हुआ होगा, ये 10 मिनट मेबी सम बाद। इश्यू, बट करना जरूर, क्योंकि जो ओलंपियाड ड्रिल्स अगर आपको सॉल्व करनी है मॉड्यूल की, तो ओलंपियाड की क्लास में ही होगी, मैं क्लास में करवाने वाला हूँ, मतलब नहीं हूँ। ओके यस मैं क्लास में ओलंपियाड्स वगैरह की चीजें मैं सॉल्व करवाने वाला नहीं हूँ। कि ओलंपियाड एक ऐसी चीज है, गैस लॉस पढ़ाए होंगे सबने? हाँ हाँ सर। ये सर्कल चार्ल्स लॉ कंप्लीट करा दिया था। उसके नेक्स्ट वाला स्टार्ट करवाया। चलो पहले पेपर डिस्कस कर लिया जाए, एक और निकाल रहा हूँ मैं।
कैमरा फटाफट से ऑन कर लो भैया, अब रिमाइंड कराऊंगा। का टाइम गया, 5 मिनट हो गए, क्लास स्टार्ट हुए। हेलो सर। यस, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो 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 सर, एक्चुअली मैं अभी वीडियो ऑन किया था तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक हो गया था। वाओ, एक बार लोड हो रहा है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पॉज सम When we pour some crystals of potassium permanganate, KMnO4, diffusion. ठीक है, शुरुआत में हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी था। कब देखा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम के अंदर भी बता दूसरी क्लास में। सेकेंड, विच हैज द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स? सॉलिड। इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत लेस होती है, इस वजह से भैया काइनेटिक एनर्जी भी लेस होगी। काइनेटिक एनर्जी लेस होगी तो भैया लिस्ट एनर्जी वाले हो गए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सेकेंड, कंटिन्यूस की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? पार्टिकुलेट। ठीक है, yes, select the one of the following as the considered as the best condition for the liquefaction of gases: pressure high, increasing the pressure and decreasing the pressure and decreasing the temperature. Option C. Which one of is not a sublime substance? Lead nitrate. बाकी सबका sublimation होता है। Which is more effective in cooling? पॉसिबल ही नहीं है भैया। पॉसिबल है 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस? नहीं सर। करेक्ट आंसर है मेरा आइस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भैया थर्ड ऑप्शन प्लेट में डाल देते तो फटाफट ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो पी के साथ आना चाहिए ऑप्शन 4। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये वाला तो रॉन्ग हो गया, बचे ये दो। ठीक है भैया, नहा के आने के बाद गर्म पानी से नहा के आते हैं तो एकदम से बढ़िया से ठंडी लगती है, ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर होगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, और इवेपोरेशन फास्ट होगा तो क्या होगा? चलिए, बहुत आसान सा पेपर बनाया था। पीपल नॉर्मली पुट सम नेफ्थलीन बॉल्स इन अ बॉक्स इन विच दे कीप्स क्लोथ्स एंड विंटर ब्लैंकेट्स। ठीक है, तो भैया विंटर ब्लैंकेट रख लिए और नेफ्थलीन बॉल्स में, तो थोड़े दिनों बाद देखते हैं कि नेफ्थलीन बॉल्स क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? सब्लिमेशन हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। डिसअपीयर होने का रीजन क्या है? सब्लिमेशन। राम क्या कर रहा था? स्टडी रूम में बैठा था, मस्ती कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, कैमरा उसका ऑफ था। ठीक है, क्यों झुक रहा है ना? ठीक है, हाँ, उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी, उसका पढ़ने में तो दिमाग था नहीं, तो उसको किचन तक स्मेल आ गई। तो उसकी मम्मी ने रीजन पूछ लिया उसको, तो उसको केमिस्ट्री आती थी तो उसने बता दिया क्या रीजन था। डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का रीजन।
विच विल कॉज सीवर बर्न, भैया कौन? स्टीम। रीजन, रीजन पूछा जाए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इससे आसान पेपर तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ बेटा, इससे इजी पेपर तो फिर याद हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, आइस, आइसक्रीम एंड चाय, इससे इजी पेपर तो यही होगा। फिर When the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, what happens to the liquid? Liquid boils. Liquid boils. Class में पढ़ा था हमने, liquid का boil हो जाता है। Yes sir. Yes sir. Yes. ये एक question था जो थोड़ा ढंग का था, समझदारी वाला था। Bromine का melting point रहता है -7.2 degree Celsius, ठीक है, और ये तो उसका melting point, और boiling point होता है 59 degree Celsius, ये होता है उसका boiling point। तो किस टेम्परेचर पे उसके पास में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन नो डेफिनेट शेप होगा, यानी कि किस टेम्परेचर पे? लिक्विड होगा। तो भैया इनके बीच में -7.2 और 59, इनके बीच में जो भी टेम्परेचर आया सब पे क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में होगा। वाटर का एग्जाम्पल लेके देखो, 0 degree Celsius से 100 degree Celsius, ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट और ये है उसका मेल्टिंग पॉइंट। सपोज मैं कहता हूँ कि भैया वाटर एट 70 degree Celsius, तो कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड में ही होगा। इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक पूरा क्या होगा? 0 to 100 में लिक्विड ही होगा। तो एक टेम्परेचर ही आधा यहाँ पे 36 degree Celsius, बाकी सब टेम्परेचर तो चेंज है। जैसे फर्स्ट वाले टेम्परेचर 65 degree Celsius पे क्या होगा? वो कौन से हो जाएगा? इस पे गैस पे 59 से ऊपर जा रहा है, मतलब कि वो गैस होगा, स्टीम बनेगा। स्टीम बन, अच्छा स्टीम बनेगा, ब्रोमीन स्टीम बन जाएगा। सॉरी, वाटर का जाएगा, वाटर का जाएगा, गैस बनेगा, गैस बनेगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। मतलब दिमाग से ये निकलती नहीं अपने मेंटेलिटी की, मतलब वेपर है तो सिर्फ स्टीम ही होगा, लिक्विड है तो वाटर ही होगा, सॉलिड है तो आइस ही होगा, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मेरा ये 12th ऑप्शन में मैंने 36 किया था, बट आंसर मेरा 65 दिख रहा था। नहीं, रॉन्ग, 36 ही है बेटा, किसी को इश्यू नहीं आया, 36 द करेक्ट आंसर। ओके, ये सब पर मेरा ये मैंने 36 किया बट ये रॉन्ग हो के 65 दिखा है। नहीं नहीं, ये देखो 36 ही है, राइट पे किसी पे आ रहा, करेक्ट आंसर 36 ही है, ठीक है? यस सर। अगर यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर यहां पर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर मैं ये कर देता एक की जगह नो कर देता तो क्या आंसर आ जाता? 36 65 65 65 आ जाता ए। समझ में आया? अब ये 13 क्वेश्चन तो भैया 6th क्लास का, 5th क्लास का, 4th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। क्या आंसर होगा सर? वो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन स्माइल, एक न्यूमेरिकल दिया, कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल फॉर 104 degree Celsius इज 1 degree Celsius सत्यानाश कर लेगा 40 degree Celsius, तो केल्विन कितना हो जाएगा? 273 प्लस 40, दैट इज 313 केल्विन। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा पेपर था, पेपर में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। अजी नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, पक्का हो तो पूछ लो फटाफट से। डाउट नहीं है ना? पक्का? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन दे दिया जाए? यस सर। यस सर। यस सर। ढूंढते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन।
क्वेश्चन इजी दिया जाए या थोड़ा टफ दिया जाए, कैसा दिया जाए? इजी तो बहुत सारे हो गए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का दिया जाए क्वेश्चन। इजी तो बहुत कर चुके हैं इस चैप्टर के, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वी विल स्टार्ट दे नेक्स्ट चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, भेजिए आंसर चैट बॉक्स में, सॉल्व करिए चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कर चुके हैं वाला? यस सर, हम ये कर चुके हैं। यस सर, इसके जैसा कर चुके हैं। नहीं नो सर, इसके जैसा। यस सर, इसके जैसा कर चुके सर। इसके जैसा किया, ये जैसा किया था, इसको भेजो। इसके जैसा किया था, है ना? यस सर, भेजो भेजो। सर भेज दिया। सॉरी किया जाए या रुके? कर दीजिए सर। सर मुझे 2 मिनट रुके हैं। चलो 2 मिनट दिए। सॉल्व कर दें। यस सर। यस सर। सीधा साधा सा क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है? इवेपोरेशन से रिलेटेड है। चार कंटेनर में चारों में पेट्रोल रखा है, ए बी सी डी, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री 50 डिग्री। ठीक है, अब पूछा है कि सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन में इंक्रीज करना है, तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में होगा? डी वाले में। किसमें होगा? डी वाले में सबसे ज्यादा होगा। डी वाले में फर्स्ट वाला कौन सा आएगा? डी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा भैया? ये तो सबसे पीछे हट गया, लड़ाई किस किस में होगी? एक तो 50 डिग्री सेल्सियस पे और एक 25 डिग्री सेल्सियस पे। सर सी आएगा। नहीं, डी आएगा। सरफेस एरिया किसका आएगा सर? बी। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया सर। तो टेम्परेचर पड़ता है तो ज्यादा नहीं होते? टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन अच्छा मेरे पास में एक ऐसा कंटेनर है एकदम जिसका मुंह थोड़ा छोटा है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, हीट भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा क्या? अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो इसके अंदर सोचो और एक इस तरह से सोचो, दोनों में वाटर सेम है, किसका फास्ट होगा? 25 डिग्री सेल्सियस वाले का। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो सेकंड कौन होगा? सेकंड किसका होगा? बी। बी खत्म खत्म, आगे तो कुछ नहीं पड़ रहा है।
ए या सी? 50 डिग्री वाले का होगा ना भैया, सरफेस एरिया तो दोनों का सेम है यहाँ पर। ट्रू आंसर, आंसर है। हाँ अच्छा, आंसर ए, मुझे लगा ए कंटेनर बोल दो। नहीं सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस यस सर, यस सर, यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। यस यस सर। चलिए अगला प्रश्न, पूरे 5 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सॉल्व कर दिया जाए तो क्या है? चलो रुक जाते हैं। अब तो सॉल्व कर दिया जाए, अभी नहीं। यस यस सर, कर दो। ए और बी दो लिक्विड है, ठीक है। ए लिक्विड में कौन सा लिक्विड अपने को पता नहीं, बी लिक्विड कौन सा ये भी अपने को पता नहीं। दोनों को हमने रूम टेम्परेचर पे लिया है, कंटेनर में सेम डायमेंशन का है। ओनली लिक्विड ए कैन गेट यू कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ए का क्या होता है, इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग ए एंड बी। ए इज हाईली वोलेटाइल, यस, तभी तो रूम टेम्परेचर में उसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। एंड प्रोसेस बी एसोसिएटेड विद बी इज क्विक, यस और नो? भैया बी के साथ कौन सा प्रोसेस होगा, बॉइलिंग होगा? यस सर। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है? फास्ट होता है सर, फास्ट एंड वॉलेंट प्रोसेस। यस करेक्ट स्टेटमेंट है।
द प्रोसेस एसोसिएटेड विद ए इज ए सरफेस फिनोमिना यस इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना एंड लिक्विड बी इज लेस वोलेटाइल करेक्ट यस और नो अगर ये भी लेस वोलेटाइल होता बी वाला तो इसका भी इवोपरेशन हो जाता द प्रोसेस एसोसिएटेड विद बी कॉजेज कूलिंग नहीं बॉइलिंग में कभी कूलिंग होती है क्या No, sir. No, sir. एक तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ सी वाला ठीक है डी वाला भी रॉन्ग है सर ठीक है द प्रोसेस एसोसिएटेड विद ए इज स्लो यस स्लो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन यहां तक तो सही है कोई गड़बड़ नहीं एंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विद बी इज ए सरफेस फिनोमिना किसी भी एंगल से नहीं कतई नहीं बल्क फिनोमिना होता है याद है ना डिफरेंस यस सर फिनोमिनन होता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी 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 करेक्ट आंसर इज बी बी कई लोगों ने बी और सी में कंफ्यूज हो गए डी भी आंसर आया कई लोगों का आंसर डी भी आया ये क्वेश्चन पहले मेरे एग्जाम में देने की इच्छा थी यही वाला सर ये आप एग्जाम्पल से दे रहे हो नहीं ये एग्जाम्पल से नहीं है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए यस सर दूसरा क्वेश्चन यस सर अरे चोटी वाले भैया चोटी खत्म यस हाँ सर कोरोना कम हो रहा है तो बाल भी कम हो गए है ना है ऐसा है क्या हाँ सर नहीं सर कोरोना फैलेगा तो फिर से बाल बड़े हो जाएंगे ऐसा ही है ना सर हो भी सकता है हो भी सकता है तो मतलब भगवान से हम दुआ करें कि आपके बाल छोटे ही रहें सॉल्व करें या टाइम दें सॉल्व कर दें नित्य प्रेम प्रेम देव ब्रोतो आदित्य भार्गवी तनिष तुष्टि केने तो देज एंड कौन करेगा मानव सुनील मीशा ओजस तेजस आंसर मल्टीपल आ रहे हैं चारों ऑप्शन आ चुके हैं मेरे पास में ए बी सी डी सब आ गया हाँ सर सॉल्व या रुके एक मिनट और टाइम लेना किसी को सर बस एक मिनट सॉल्व एक मिनट प्लीज ये क्वेश्चन भी मेरे को एग्जाम में देने की इच्छा थी वैसे पर मैंने सोचा पेपर पे कुछ ज्यादा ही टफ हो जाएगा Yes or no? नहीं सर तो नॉर्मल होता अभी इजी था ना तो अभी फिर हाँ सर ये नॉर्मल है सर फिर जब पेपर देता 15 में से 5 टू 10 5 7 क्वेश्चंस ऐसे दे देता तो नॉर्मल हो जाता पेपर हाँ सर चलें सॉल्व करें यस सर यस सर यस सर The order of diffusion of three states of matter is A, B, C, D. तो भैया obviously बात है ये कौन से स्टेट में होगा सॉलिड तो भैया गैस होगा सबसे ज्यादा गैस होगा बी लिक्विड और सी लिक्विड
Solid. Identify the two statements regarding A, B, C. The order of density is also same. नहीं भैया, सबसे ज्यादा density किसकी होती है? Solid की होती है, फिर liquid की होती है, फिर gas. Density इसकी उल्टी होनी चाहिए थी, इस तरह से होनी चाहिए. ठीक है, the order of compressibility is also same. सबसे ज्यादा हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड. द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑल्सो सेम. नहीं भैया, ये तो उल्टा है, उल्टा है. इसमें तो गैस का सबसे ज्यादा हो रहा है. द ऑर्डर ऑफ रिजिडिटी इज, नहीं, कैसे पॉसिबल है? बी को पहले लिया है लिक्विड की, फिर गैस की, फिर सॉलिड की, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ये. करेक्ट आंसर क्या है? बी. बी. ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो सेम. सेम सेम. क्या समझ में? यस सर. यस सर. आ जाए एक क्वेश्चन और, तड़कता भड़कता इसी टाइप का. यस सर. यस सर. मिला क्वेश्चन? ये तो इजी बेटा, ये टफ नहीं क्वेश्चन, इट इज सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. में भी सब्जी मंडी हो गया, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं भैया. बता दिया जाए, रुका जाए, चलो बता दिया जाए, बता दीजिए, बता दें फटाफट से, बता दो सर. एक्स इज इनकॉम्प्रेसिबल, तो एक्स क्या हो गया? सॉलिड. सॉलिड. वाई पोरेज सेलेक्टिव डिफ्यूजिबिलिटी, वाई क्या हो गया? लिक्विड. लिक्विड. और जेड? गैस. थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होंगे? तो हीटिंग करने पे उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका इंक्रीज होगा? गैस. 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 करेक्ट. सीक्वेंस समझ में आ गया? यस सर.
सॉलिड का होता है, लेकिन सॉलिड का बहुत कम होता है, लिक्विड का भी होता है। जैसे वाटर को बॉईल करते हैं तो देखा होगा ना, हीट करते हैं वाटर को तो वो भी ऊपर निकलने लग जाता है, ऊपर बच जाता है, वो वाटर भी थोड़ा थोड़ा उबलने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा। आया समझ में? यस सर। यस यस। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब एक आध थ्योरी क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट। चलो भैया भेजा छोटा सा क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है या नहीं? आदित्य कीवर्ड तो लिखा नहीं, मेन कीवर्ड तो बाकी रह गया। भैया इवोपरेशन का कोई इसमें रोल होगा या नहीं होगा? थोड़ा बहुत कुछ नहीं होगा सर। नहीं होगा इवोपरेशन का? तो फिर कॉटन के कपड़े क्यों पहनने? वाटर एब्जॉर्ब करके उसको वाटर को इवोपरेट करेगा नहीं करेगा? सर ड्राई होने के लिए इवोपरेशन का। अच्छा हाँ, इजीली वेट पूछा इसने तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। समझ में आ रहा है। आज जो क्वेश्चन किए अच्छे थे, मजा आया।